सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओके चलिए, तीन लोग हैं एबीसी, इन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म चालू की है और शुरू में इन्होंने क्या किया है, 3:2:4 इस रेशियो में उन्होंने क्या कर दिया है, इन्वेस्टमेंट कर दिया है और इन्होंने टोटल पार्टनरशिप किए है 3 सालों के लिए। 3 साल मतलब 36 मंथ्स, राइट। जो भी प्रॉफिट हुआ है वो 3 सालों के बाद लिया है ना, इधर देखो ये लो। अब शुरू में इन्होंने 3:2:4 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट की है, इसका मतलब है इसने लेट 3x की है, इसने 2x और इस बंदे ने की है 4x। अब एक साल बाद क्या किया है इन्होंने, देखिए बी ने 2,70,000 रुपये एक्स्ट्रा भर दिए हैं, मतलब ये 3x रुपीज जो है, दीज आर वर्किंग फॉर 3 ईयर्स। अब एक साल बाद मतलब वे 2 सालों के लिए काम करेंगे ये रुपए इनके, फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए बी ने क्या कर दिया एक्स्ट्रा, 2,70,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। और सी ने 2 साल बाद मतलब सिर्फ एक साल के लिए, नहीं ये किसने किया है, बी ने किया है ना भैया, ये ने कुछ किया नहीं, चलो। और सी ने क्या किया है, सी ने 1 साल के लिए 2,70,000 लगाए हैं। ओके, अब 3 साल के बाद प्रॉफिट शेयरिंग इस तरीके से, तो टोटल इन्होंने कितना लगाया है यहां पे मैं लिख लूंगा, इसने सिर्फ 3x लगाए वो भी 3 सालों के लिए, मतलब 36 महीनों के लिए। आप साल ले लो या महीने ले लो, क्योंकि यहां पे महीने लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, साल ही ले लेते हम। इसने क्या किया है, 2x रुपए 3 सालों के लिए लगाए और ये 2,70,000 रुपए 2 साल के लिए लगाए। इसने 4x रुपीज 3 साल के लिए लगाए और ये सिर्फ 1 साल के लिए लगाए, ठीक है। तो ये है इनका टोटल मनी इन्वेस्टमेंट एज पर प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शन में इनको मिलने चाहिए, लेकिन ये प्रोपोर्शन दिया कितना है, 3:4:5, मतलब इन दोनों का जो प्रोपोर्शन है, इन दोनों का ये प्रोपोर्शन हो गया 3:4, समझ रहा है ना, दैट इज 3x into 3 मतलब 9x is 2, मतलब डिवाइडेड बाय दिस थिंग। सो दिस 2x into 3 मीन्स 6x प्लस दिस थिंग, दिस रेशियो इज इक्वल टू नथिंग बट दिस थिंग 3:4। अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए यहां ऊपर से और नीचे से 3 कॉमन निकल जाता है, तो 3 कॉमन निकल के कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये 3x/2x, ये हो गए आपके 90,000 रुपीज, क्योंकि 3 को कॉमन निकाल लिया ना, इक्वल टू 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12x = 6x प्लस फिर से ये हो गया 2,70,000, ये 6x = 270,000। अब इसको सॉल्व करो, x = तो ये 6 4 = 24, 6 5 = 30, ओके तो ये 45,000 आ जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, क्या निकालना है आपको, फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ इच। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बस इसमें x की वैल्यू आप डाल दो, उस तरीके से आ जाएगी। ओके राइट।